एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास है, सब लोग ग्लास इस प्रकार बनाते होंगे ना, आपके माइंड में ग्लास इसी प्रकार लगे, लेकिन स्फेरिकल ग्लास है, ऐसे ग्लास है, ये ग्लास हो गई, ठीक है। और कह रहा है उसके नेक, नेक माने जैसे गर्दन होता है, तो जो स्फेरिकल ग्लास है उसके नेक में एक सिलेंडर का जैसा ऐसे जुड़ा हुआ है, उससे समझते जाओ, ठीक है, सिलेंड्रिकल जुड़ा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यू। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट पाई इज इक्वल टू 3.14। यानी कह रहा है कि इस तरह के ग्लास में एक ऐसी नाक वाली और ऊपर से जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेसल से जुड़ा हुआ है। अब पानी यहां से यहां तक भरा जा सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो उसने देखा कि इसका वॉल्यूम जो वो निकाला लड़कवा, तो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिया है। अब इसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि क्या वो लड़के ने उत्तर सही निकाला है कि गलत। तो हम दो वॉल्यूम निकालेंगे इसमें, कौन कौन सा वॉल्यूम, एक अगर इसको यहां से हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम निकालेगा इसमें कितना पानी है, और यहां से इसको जोड़ देंगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा, समझ पा रहे हो। तो स्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, बस वही निकालना है, बड़ा सरल है। अब इसकी मेजरमेंट जो दी है उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है बेटा, गिवन। अब हमें क्या क्या मेजरमेंट के अंतर्गत दिया है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी इसको हाइट बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर इज डायमीटर, इसका जो डायमीटर है इतना, ये डायमीटर इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, तो रेडियस कितना आएगा 1, ओके। आगे क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर। अब जो ये स्फेरिकल है इसका डायमीटर कितना दिया हुआ बच्चों, यहां से यहां तक पूरा डायमीटर कितना दिया, 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस निकाल लेंगे 8.5/2, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, बस इतना तो चाहिए हमें बाय मेजरिंग अमाउंट। कितना सरल सवाल है, सिलेंडर के लिए क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमको आर भी दिया है एच भी दिया है, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³, सिर्फ आर बस चाहिए, तो आर हमको दिया है, तो पहले लिख लेंगे, गिवन इन स्फेरिकल, स्फेरिकल पहले स्फेरिकल का लिखेंगे, स्फेरिकल रेडियस इज इक्वल टू कितना मानेंगे इसको, r1 मान लो। डायमीटर कितना दिया बेटा पहले इसमें 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। उसके बाद अगला इसमें कह रहा है स्फेरिकल का यही बस चाहिए हमको। अब सिलेंडर का देखिए, सिलेंडर इन सिलेंडर, सिलेंडर में रेडियस कितना होना चाहिए, देखिए डायमीटर 2 है, डायमीटर हमारा इसको r2 मान लो, डायमीटर 2 था तो रेडियस क्या आ जाएगा 2/2, 2 से 2 काट दिए तो 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सिलेंडर की हाइट भी दी है, तो सिलेंडर की हाइट को हम क्या मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये हमारा सारी वैल्यू दी हुई है, बड़ा आसान है। अब वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, समझ गए बच्चों ना। अगर इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस प्रकार के वेसल्स का, यानी इस प्रकार का अगर बर्तन कोई होता है, आने लगे हैं आजकल ऐसे बर्तन, ठीक है, 100 पीस के लिए, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे पूरा वॉल्यूम, और फिर लड़के ने जो निकाला हुआ है 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक कर लेंगे कि क्या सही है वो कि गलत है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे थे वो हेमिस्फीयर का 2/3 πr³, समझ पा रहे हो,
हेमिस्फेयर मतलब आधा, लेकिन वो क्या होगा 4/3πr³, प्लीज ध्यान रखा करिए आप लोग, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आर आर टू मानेंगे, इसको आर वन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेंडर को वॉल्यूम हमने आर टू माना हुआ है, ठीक है। तो सिलेंडर को, ये सिलेंडर है ना, तो इसको आर टू रख लो और स्फीयर जो कि बड़ा है इसको आर वन मान लिया हमने, ओके बच्चों। अब देखिए दोनों चीज में क्या क्या दिख रही है, तो पाई दोनों में दिख रहा है कॉमन, दिख रहा है इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, तो हमने पाई बाहर ले लिया, बचा क्या बेटा 4/3। आर वन की वैल्यू क्या है, आर वन, आर वन ये है 8.5, आप इसको काट के छोटा कर दीजिए, 2 4 जा 8.22 जा 4 2 5 जा 10, कितना आएगा 4.25। तो यहाँ लिखिए 4.25 का क्यूब प्लस पाई बाहर आ गया, आर 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 टू कितना है, आर टू हमारे पास था ये एक, तो एक का स्क्वायर इंटू एच कितना था हमारे पास 8, ब्रैकेट बंद। अब देखिए आगे क्या होगा बेटा, यहाँ पाई लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर लिखिए, अब इसको खोलेंगे 4/3 × 4.25 × 4.25 × 4.25, इसको तीन बार खोलना पड़ेगा हमें, प्लस एक का स्क्वायर चाहे करिए चाहे 100 बार करिए एक ही आएगा, एक का मल्टीप्लाई 8 से तो 8 आ गया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, इसको हटाते हैं तो 100 लग जाता है, इसको हटाते हैं तो 100 लग जाता है, टू डिजिट पहले, इसको हटाते हैं तो 100 लग जाता है। अब हम काटना शुरू करेंगे, 4 से काटिए, 4 2 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 8 में 2 बचा 4 5 जा 20, 25 आ गया। अब 25 से इनको काटेंगे, 4 2 6 6 6 5 11, अभी नहीं कटेगा, अभी यहाँ फिर से लिख लेते हैं, अब इसको बस काटना है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास बचा है बेटा पाई, ब्रैकेट के अंदर 4 कट चुका है तो ऊपर बचेगा 4 25 × 4 25 × 4 25, 3 है ना, यहाँ प्लस 8 अलग से रहने दो, अपॉन में क्या बचा हुआ है हमारे पास 3 × 25 × 100 × यही बचा हुआ है ना। चलिए काटना शुरू करते हैं, तो 5 से काटिए, 5 5 जा 25 5 8 जा 40 5 5 जा 85 5 से काटिए 5 से काटिए 5 बन जा 5 3 बचा 5 से बन जा 35, कोई दिक्कत, 17 बचा ऊपर नीचे अभी रहने देते, अब इसको काटते हैं, तो इसको काटते हैं मान लीजिए 5 से 5 2 जा 10 20 आया 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20 5 1 जा 5 और कितना बचा 3 5 7 जा 35, ठीक है। अब और काटिए, इसको काटिए अब तो 5 से 5 2 जा 10 20 आ गया, इसको 5 से काटेंगे तो कितना आता है 85 आता है पहले, फिर 5 से फिर काटिए तो 4 आता और ये आ जाता है 17, ऐसे ही आता है ना। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है 17 × 17 × 17, नीचे हमारे पास क्या बचता है 3 × 4 × 4, ऐसे ही आता है। चलिए लिख लेते हैं, तो पाई की वैल्यू अब रखते हैं 3.14, ठीक है, अंदर बचता है 17 × 17 × 17 अपॉन में 3 × 4 4 जा 16, 16 और ये प्लस में 8 है हमारे पास अभी, ठीक है, अभी वो बचेगा। अब 17 17 17 का मल्टीप्लाई करिए कितना आता है, जल्दी से बताइए हमें, 3.14 और 17 × 17 का 17 से मल्टीप्लाई, 16 3 जा 48, इसको लिख लीजिए, यहाँ प्लस 8 लिखिए। अब इन तीनों का हमें गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए कितना आएगा, 17 में 17 का गुणा करिए, स्क्वायर आप लोगों को याद ही नहीं रहता, 17 7 119, इसका 11 बचा 17 कम 17 10 27 28, 289, कितना 289 है, तो 289 में हमें मल्टीप्लाई करना है 17 का, 17 9 138 9 में हमें मल्टीप्लाई करना है 17 का 17 8 36 36 10 46 46 5 51 का 1 51 हासिल 5 नहीं 15 17 2 9 34 44 44 5 44 और 5 49, कितना आएगा 49 13, इतना ही आएगा ना 49 13, वाह सब सर जी करें, तुम लोग बस बैठ के भूंजी हुई रेवड़ी खाओ, तो तुम अपना करो देखो क्या करते हैं, अब जगह नहीं बच रही है तो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो देखो अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसको इरेज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, अब हम इसके आगे से करेंगे बच्चों।
तो देखिए हमारे पास क्या आ गया है, 4913 अपॉन 48 प्लस में 8 है, तो इसका एलसीएम लेंगे हम। तो हमारे पास ये 3.14 रखा हुआ है वैल्यू, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, है ना। और 48 बन जाए वन टाइम गया तो उतना ही आएगा, 4913 और 1 का मल्टीप्लाई 48 से जाएगा तो 48 टाइम जाएगा, तो 48 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे कितना आता है, 384, इतना आ गया। 88 जा 64, 84 जा 8 जो 32, 32 छः 38, एकदम सही है, ठीक है। ये यहाँ पे 3.14 लिखा रहेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 3.14 इन दोनों को प्लस किया कितना आया, 5297। क्रॉस चेक करते हैं, 437, 819, 9312, 12415, बहुत बढ़िया, 48, ठीक है बच्चों। अब इसको भी डेसिमल हटा के यहाँ पे 100 का डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए। अब हमारे पास क्या नंबर बचता है, इधर देखिए हमारे पास बचता है 314 बटे 100 इंटू 5297 बटे 48। अब थोड़ा छोटा करिए इसको, तो से काटिए तो ये आएगा 15/7, ये कितना आएगा, 16 हैं 2 से काटे थे ना, तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। और बताओ कैसे काटेंगे, थोड़ा सा लंबा टर्मिनेशन होगा। अब 157 का इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 का 100 कर देंगे, ऐसे 157 इंटू 5297 बटे 100 इंटू 100 का 24 में करेंगे तो 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये वर्क मैं करूँगा होमवर्क के लिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, उसके बाद 2400 से, तो 2400 से गुणा करने की जरूरत नहीं, 2 जीरो हटा दोगे दो अंक दशमलव आ जाएगा, और 24 का भाग दे दोगे जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर आपका ये 345 इधर आता है और दशमलव के बाद कोई और वैल्यू आती है तो समझ लीजिएगा कि वो लड़का सही है, तो आंसर नीचे लिखना पड़ेगा कि द बॉय इज राइट और नॉट, दैट्स ऑल।